नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। कोरोना काल में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच के लिए अलवर से सांसद और स्थल बोहर मठ के गदीनशीन महंत ब्लॉक नाथ की प्रेरणा से मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर जिला रोहतक के गांव गांव जाकर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रहे हैं। शिविर में लोगों को कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काढ़ा और अन्य बीमारियों से संबंधित दवाइयां मुफ्त में दी जा रही हैं। जिले के 5 गांव में चिकित्सा शिविर के सफल आयोजन के बाद आज जिले के गांव पहरावर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसका काफी संख्या में ग्रामीणों ने लाभ उठाया। स्वास्थ्य जांच के उपरांत ग्रामीणों को मुफ्त दवाइयां भी दी गईं। शिविर का मुख्य लक्ष्य कोरोना महामारी से लोगों को बचाना है, जिसके लिए मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल में तैयार किया गया विशेष प्रकार का काढ़ा और इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयां मुफ्त दी गईं। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। नाम बताओ। अशोक कुमार है जी मेरा नाम। जी बताइए। जी आज जो बाबा मस्तनाथ की तरफ यहाँ पर कैंप लग रहा है, इसमें सारे बढ़िया डॉक्टर आ रहे हैं हर बीमारी के और सब ने निःशुल्क देख रहे हैं जी। बहुत बढ़िया देखने लग रहे हैं, डॉक्टरों का व्यवहार भी बढ़िया है जी। आराम तो समझाए हैं, दवाई दे हैं फ्री यहाँ पर। और हम तो नहीं कहा जी सा कैंप 3-4 महीने में लगना चाहिए, गाँव में गरीब आदमी है उनका कुछ भला हो जाए। ये सारी दवाई तो ये मशीन तो ले नहीं सकते यहाँ पर, कुछ जिनके थोड़े से गंभीर बीमारी है उन पर उड़म बाबा स्थल और मस्तनाथ मठ में बुला रहे हैं। बाबा बालकनाथ जी के नेतृत्व में जो बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है जी, जो कि गरीबों ने निःशुल्क देखा जा रहा है। डॉक्टरों की टीम बहुत बढ़िया भेज रखी है, बहुत बढ़िया डील कर रहे हैं। हम तो नहीं कहा हाँ जी बाबा मस्तनाथ की दिन दुगुनी रात चुनी उन्नति कराए गरीबों का बना। काफ़ी लोग आ रहे हैं, गाँव के फायदा उठा रहे हैं। हाँ जी, लोगों का विश्वास है जी बाबा मस्तनाथ के मठ में पहले से ही विश्वास है और इनके ऊपर, इसलिए पूरे गांव के लोग आ रहे हैं, आदमी लोग आई लेडीज सब आ रहे हैं जी। वो पूरा फायदा उठा रहे हैं, फ्री में दवाई दे रहे हैं जी, कोई पैसा नहीं ले रहे किसी से, निःशुल्क सब। हम धन्यवाद करते हैं जी टीम का। हमारे परिचय दो। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर नवदीप है। मैं श्री बाबा मस्तनाथ आई और जनरल हॉस्पिटल में हॉस्पिटल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। अभी हमारे मठाधीश और श्रद्धेय महंत बालकनाथ योगी के दिशा निर्देश के अनुसार हम सभी 8 गाँव के जितने भी नज़दीकी गांव हैं उन सभी में फ्री में कैंप लगा रहे हैं, जिसमें कि आयुष काढ़ा 64, इम्यूनिटी बूस्टर और दवाइयाँ निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। ये सब हम हमारी कुलाधिपति प्रतिनिधि हैं मैडम अंजना राव जी, उनके दिशा निर्देश के अनुसार कर रहे हैं। सभी गांव से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और एक अच्छा संतुष्टि भी मिल रही है कि विभिन्न जगहों पे जाते हैं, हमारे यहाँ 300 से 400 लोग हर एक कैंप में इसका लाभ उठा रहे हैं। महंत जी का ये विशेष तौर पे उनका सोच भी यही थी, उन्होंने मुहिम भी यही चलाई है कि कोरोना को हराना है और भारत को जिताना है। इस मुहिम के अंतर्गत ही 8 गाँव के 5 गाँव में बोहर में बलियाणा बालोट पाकसमा और किसनेट्टी यहाँ हम लोग कैंप आयोजित कर चुके हैं। आज अपने यहाँ ग्राम पहरावर में हम लोग ये छठा कैंप आयोजित कर रहे हैं। आगामी कैंप भी खेड़ी साध में और अन्य गांव में एक दो कैंप और रहता है, वहां भी हम लोग कैंप करेंगे। नौनद में सोमवार का कैंप रहेगा। अच्छा, आयुर्वेद पे ही आधारित है ये? देखिए, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बिना साइड इफेक्ट के आयुर्वेद पे आधारित है। इम्यूनिटी काढ़ा जो बनाया गया है योगीराज फार्मेसी के द्वारा वो आयुर्वेद पे आधारित है, लेकिन अन्य भी विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे पास में है, डेंटिस्ट हमारे पास में, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हमारे पास में है, फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारे साथ में है और मेडिसिन सर्जरी गायनी इन सब के निःशुल्क परामर्श हम लोग दे रहे हैं। पीडियाट्रिक्स का, स्वर्ण प्राशन का, बाल रोग का जिसे हम कहते हैं कि बच्चों में इम्यूनिटी बूस्टर हो, उसके लिए भी हम लोग निरंतर कैंप लगाते रहते हैं। वैक्सीनेशन कैंप भी हमारे यहाँ कैंपस में लगातार होते रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें, हमारे समाज को, अटगावा के जनमानस को कहीं से भी इस कोरोना काल में कोई संकट ना आए, उसकी देखरेख का जिम्मा हम अपना जिम्मा मानते हैं। ऐसा मठाधीश का हमारा आदेश है और उसका पालना हम सब लोग कर रहे हैं।